जो चीरती हुई लोहे के हिस्से को गाड़ी के, और वो मुझे लगी तब मुझे एहसास हुआ कि हम गिर गए। फिर तीसरी गोली चली, इसने मेरा आगे वाला शीशा पूरा डैमेज कर दिया। चौथी गोली पे मैं नीचे हो गया, जिस जो गोली आपने देखा कि वो सीधी उसमें लगी, अगर मैं उस नीचे ना होता तो वो मेरी छाती के आर पार चली जाती। फिर वो गाड़ी 10 मीटर आगे जाके रुक जाती है, वो दो हवा में फायर करते हैं जैसा मैंने देखा, और फिर उन्होंने फिर हमारी गाड़ी फायर किया। वो गाड़ी के वो फायर जो है गाड़ी के नंबर प्लेट पे लगी। मेरा यह मानना है उनको ऐसा लगा होगा कि हमने जो काम करने आए थे वो कर दिया, अभी मर गया शायद, जैसा पहले कई घटना में हो, फिर वो शायद सरेंडर करने के मूड में थे। लेकिन जैसे ही मनीष ने गाड़ी को मेरे गाड़ी से यू टर्न लिया, उनको समझ आया कि जिंदा है, तब वो वहां से भागे। हमने पुलिस को बताया कि ये गाड़ी का नंबर है, फिर उन्होंने उसको इंक्वायरी किया। पुलिस ने काफी, पुलिस के अच्छे अधिकारी यहां है, उम्मीद है वो अच्छा काम भी करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट हुआ कि अपराधियों में कोई डर है नहीं। कितने लोग थे? तीन लोग अपने से हमला कर रहे थे, एक व्यक्ति गाड़ी चला। चंद्रशेखर जी, कोई थ्रेट कॉल आया हो आपको इससे पहले, कोई धमकी? पिछले कई सालों से आ रही है, मैं लगातार पुलिस को इंटीमेट भी करता रहता, मैंने डीजीपी को भी लिखा, गृह मंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ के पहले एसएसपी डीएम थे उनको भी लिखा, लेकिन डीएम साहब जो पिछले थे अखिलेश सिंह जी, उन्होंने साफ मना कर दिया, चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने एलआईयू के अधिकारी द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया फिर क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार का मामला, सरकार चाहे तो दे सकती, तो मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री इंतजार करें कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी राह के रास्ते में से नहीं आता। अतीक अशोक जैसा हुआ वैसे ही कुछ होने वाला था ऐसा आपको लगता है? अब आप इसका आकलन खुद करें कि क्या हुआ और क्या हो सकता था। आपके पास एक और बात थी, मुझे ऐसा लगता है कल की घटना के बाद, इतने बड़े उसके बाद भी अगर मैं सुरक्षित हूं, तो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद, हमारी करोड़ों बहनों माताओं का आशीर्वाद बुजुर्गों का मेरे पास है, और मैं जो जिम्मेदारी मैं लेकर मैदान में आया हूं, बाबा साहब अम्बेडकर मानव, काशीराम साहब, सदगुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा राज का सपना है, मानवता के राज का सपना है, संविधान को लागू कराने का है, इन वर्गों को अधिकार देने का है, जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं कहीं जाने वाला भी। हो सकता है वो चाहते थे जो गुजर और दलित समाज में एकता बनी है वो एकता टूट जाए, ये होगा ही नहीं कभी, ठीक है, ये नहीं हो सकता। हमारी लीडरशिप ने ये निर्णय लिया है कि जब 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमें अपने लोगों को भी जवाब देना है, तो इसलिए शायद उन्होंने 3 तारीख का समय रखा, मैं उसका हिस्सा बन गया। अमेठी के अंदर एक फेसबुक वायरल हुई है पोस्ट जिसमें आपको मारने की वो की गई है, क्या कही है उसके नाम? ठीक है, देखिए लोकतंत्र है, उनके अधिकार है, मारे या छोड़े, मैंने कहा ना मैं पहला थोड़ा हूँ जो मारा जा रहा हूँ या जिसको मारने का प्रयास किया, मुझसे पहले बहुत मरे हैं, लेकिन उनको कोई जान नहीं रहा था, मैं जब मुझे लोग जानते हैं तो मेरी बात आगे बढ़ती, लेकिन मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा, ये भी मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। पोस्ट किया है अमेठी क्षेत्र महासभा से कि इस बार को बचे अगली बार नहीं बचे। देखो मैं गोली से डरता नहीं, मैं गोली से बंदूकों से नहीं डरता हूँ, मैं संवैधानिक रास्ते से चलता हूँ, संविधान को मानता हूँ। गोली चलाने वाले को भी कहना चाहता हूँ कुदरत उनको सद्बुद्धि दे, कल जगह पंगा ले रहे हैं, मैं झगड़ा नहीं चाहता, मैं अपने लोगों को भी कह रहा हूँ कल से शांति बना रखो और संविधान के रास्ते चलो, वो हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि जो हम राजनीतिक ताकत हमारी बंदी कमजोर हो जाए, हम दूसरी दिशा चले जाएं, लेकिन ये भी एक अटूट सत्य है कि हम संविधान के जरिए जवाब देना चाहते हैं, और किसी गलतफहमी हो तो वो गलतफहमी सुधारने का समय है। वो क्यों वो कर रहे थे, वो पाला किसने, मुझे ही तो मानना है ना, बता दे मैं चला जाऊंगा मरने में, अगर मेरे लोगों के साथ कोई खेलना खेलना मैं तैयार हूं, अगर मेरे मरने से हमारा आंदोलन आगे बढ़ता, हमारे लोग पड़े हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये आज लोकतंत्र है, गोली की भाषा से एक चंद्रशेखर मरेगा तो क्या हो जाएगा, हजारों चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे, ये समाज बहुजन समाज तो उपजाऊ समाज है, एक मरेगा हजार पैदा हो, कितने चंद्रशेखर मारोगे, मारो गोलियों में, सत्ता का संरक्षण आपका, मुख्यमंत्री आपका अपना है, खूब चंद्रशेखर को मारो, हर जिले से चंद्रशेखर पैदा हो। पहली घटना आपके साथ, बाबा साहब अम्बेडकर और मानव काशीराम साहब सपना पूरा करे बगैर संविधान को लागू करवाए हम लोग जाएंगे। चंद्रशेखर भाई, पहली घटना आपके साथ मुजफ्फरनगर में हूँ, दूसरी अब देवबंद में हूँ, क्या लगता है कि आसपास का क्षेत्र उससे पहले बनने शहर में? अगर पहली घटना पर ठोस कार्रवाई हो जाती तो अपराधियों के हौसले कमजोर होते, लेकिन मैंने कहा ना कि एक रानी का नहीं प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा है, एक गरीब माँ का बेटा, तो मर जाए क्या फर्क पड़ा, किसी को क्या फर्क पड़ता, उनका रास्ते काटा आसान से निकल रहा है, तो इसलिए उनको लगा कोई वो नहीं, लेकिन जनता समझ रही है, मेरे एक एक खून का जवाब मेरे लोग जो है ना मुझे संरक्षण देकर देंगे, और सबक सिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी सरकार को जिसके अब संरक्षण में गुंडे पड़ रहे। एक आखिरी सवाल है, क्या ये पॉलिटिकल अटैक था? पुलिस जांच कर रही है कि मेरे मरने से किसको फायदा हो सकता है, कौन मुझे चाहता मैं मर जाऊं, पुलिस जांच कर रही है, मुझे उम्मीद है पुलिस फिर जांच करके कोई मैनिपुलेट करके नहीं सही जवाब देगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चंद्रशेखर का जो कद बढ़ रहा है देश के अंदर, कई मुख्यमंत्रियों ने भी अब ट्वीट किया है, ओवैसी ट्वीट कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, तो इस चीज को क्या लगता है? कुछ भी गलत होगा तो लोग बोलेंगे, अगर कल मेरी जान ही चली जाती तो लोग फिर भी तो उनको पीड़ा होती, उनको अपना भी देखना है, कल उनके साथ भी हो सकती है, ये लाइन ही विचारधारा ही गलत है कि गोली से ऊपर, और ये बीजेपी की भाषा है गोली मारो सालों को, ये वही उसी को उपजाऊ हो रही है। देखिए बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं, मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का, उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पर कोई शायद आपत्ति बुरा नहीं लगता, मुझे उनसे कोई दुख नहीं,
मेरे लोग मेरे साथ ही बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसकी जिस जान पे जिसकी बनाई है वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं इतवाई करता हूँ। लगभग सभी दलों के लोग आपसे मिलने आए हैं, कैसा देखते हैं, क्या नहीं बनता, भाजपा के भी मैं कह रहा हूँ, बस सबका धन्यवाद करता हूँ। मगर ये है, मैं ये प्रयास करूंगा कि भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर की कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। बात चल सकती नहीं है।